चालू करते हैं। बहुत आसान हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं सोचा लिखने में बहुत टाइम जाता है, बिकॉज लिखने से तो याद तो होता है मैं मानता हूँ, लेकिन टाइम भी एक बहुत वैल्यू रखता है। सर एमसीक्यूज कौन सा चाहिए अपने को? एमसीक्यूज मॉड्यूल वन का, मॉड्यूल वन से चालू करता हूँ स्टूडेंट, चलेगा ना? असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं हम लोग। हाँ अटेंडेंस डाल दो, वास वास ये इंपॉर्टेंट काम करते तुम लोग। मॉड्यूल वन से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके ओके सर। ओके फटाफट मॉड्यूल ये डाल दो, चलो फटाफट डिस्कशन चालू करते, खत्म करते इसको, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। When characteristics of water varies during the day and also when discharge is non-uniform or else is discontinuous, dash is necessary. Yes, what's the answer? फटाफट आंसर डिस्कस करो, नहीं पता नहीं बोल दो। फ्लो इक्वलाइजेशन, फ्लो इक्वलाइजेशन मेरे को एक आंसर मिला है। बाकी लोग फ्लो इक्वलाइजेशन आंसर मिला है मेरे को, इक्वलाइजेशन एक आंसर मिला, इक्वलाइजेशन इज नेसेसरी, करेक्ट आंसर है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस इज डैश ट्रीटमेंट मेथड। मैं आपके चैट बॉक्स भी देखते रहता हूं ताकि अगर कोई गलत आंसर दे रहा है तो उसको करेक्ट करूं। एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस इज डैश ट्रीटमेंट मेथड, यस व्हाट्स द आंसर? केमिकल। कौन सा? बायोलॉजिकल। सर पूरे ऑप्शंस दिखाओ ना। पूरे ऑप्शंस नहीं दिख रहे क्या? पूरा दिख रहा है अभी, अभी दिख रहे, पहले नहीं थे। अच्छा अब भी दिख रहे, ओके ओके। बी आंसर बराबर, बायोलॉजिकल इज अ करेक्ट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एग्जाम क्वेश्चन पढ़ लो फटाक से, कोई एग्जाम क्वेश्चन पढ़ लो। प्लीज एग्जाम क्वेश्चन पढ़ लो, सुष्मिता क्वेश्चन पढ़ो। राशि तू ही पढ़ ले क्वेश्चन। डैश आर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज थ्रू आउटफॉल पाइप्स फॉर पब्लिकली ओन्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स। एफ्लुएंट स्टैंडर्ड सीवेज वेस्ट सॉलिड वेस्ट। एक्चुअली डेफिनेशन है किसी चीज का। ओके सुष्मिता, नो इशू एट ऑल। एफ्लुएंट स्टैंडर्ड ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, सर ये डेफिनेशन और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। क्या है आंसर? बीओडी। एकदम बीओडी, बीओडी इज अ करेक्ट आंसर। बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली द ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज। बराबर, ऑर्गेनिक मैटर जो भी रहेंगे अपने वो सीवेज में वो करने जाते हैं। इट इज ऑलवेज लेस देन सीओडी, एंड सीओडी का काम क्या रहता है? सीओडी ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। मतलब एक क्वेश्चन इसका घुमा के ऐसा भी डाल सकते हैं हम लोग कि विच कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। तो क्या आंसर लिखोगे स्टूडेंट आप? सीओडी। परफेक्ट, शाबाश, एक साथ आपने दो क्वेश्चन पढ़ लिया इसमें। चलो डैश सैंपलिंग अलाउज द एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अनस्टेबल पैरामीटर्स सच एज pH, dissolved oxygen, chlorine residual, nitrates and temperature. Composite biological chemical grab. Grab. Composite. Composite. Perfect. चाहो दूसरा grab लो। अरे वो क्या हो गया ना, कुछ तो error आया पीसी में, मेरे को लग रहा है वो उसके लिए हो गया। तो आंसर क्या है? ग्रैब है, उसका आंसर ग्रैब है एक्चुअली। इसका आंसर ग्रैब है। क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इसका आंसर हमने क्या डिस्कस किया अभी? ग्रैब सैंपलिंग। तुम लोगों को पता है सैंपलिंग के मेथड कितने होते हैं स्टूडेंट्स? सैंपलिंग के मेथड पता है क्या? हाँ ना, मैं जवाब चाहिए, नहीं पता तो मैं डिस्कस करूंगा। हाँ सर, वो आर्ली रहता है, डेली रहता है, वीकली,
मंथली और हाफ ईयरली? वो तो बेटा तू इंटरवल्स बता रहा है, टाइम इंटरवल्स बता रहा है, टेक्निक की बात कर रहा हूं तो दो डिस्कस कर दो सर। हाँ चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। अरे ठीक है ना, बोल दिए एक बार, समझ गया मैं। अच्छा सुनो, एक एक्चुअली सैंपलिंग के ना टोटल चार मेथड रहते हैं, बट टेक्निकली हम दो मेथड फॉलो करते हैं, करेक्ट? फर्स्ट मेथड इज नोन एज ग्रैब सैंपलिंग और दूसरे मेथड स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था सैंपलिंग के बारे में, तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। अगर आप असाइनमेंट नंबर वन रिफर करोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने, बराबर? तो सैंपलिंग की बात करूं तो हमें टोटल चार सैंपलिंग होते हैं, जिसमें से अपने को काम के सिर्फ दो सैंपलिंग है। फर्स्ट वन इज नोन एज ग्रैब सैंपलिंग और दूसरे वाले का नाम क्या है, एक बार बोल दो वापस, कंपोजिट सैंपलिंग। तो ग्रैब सैंपलिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग अनस्टेबल पैरामीटर्स सच एज पीएच, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन रेसिड्यूल्स, नाइट्रेट्स और टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बराबर? इसके सारे बारे में हम एनालिसिस मतलब स्टडी करते हैं, किसके ऊपर? ये अनस्टेबल पैरामीटर्स के ऊपर। दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज नोन एज, क्या बोला मैंने अभी जस्ट? ग्रैब। ग्रैब, ओके। बेसिक क्वेश्चन है प्लीज, ये तो सबको आना चाहिए, ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है। क्या है आंसर इसका? वाटर, वाटर सर, वाटर, 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 परफेक्ट आंसर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी के साथ मिलाओ डाइल्यूट हो जाता है, बराबर? कंपोजिट सैंपलिंग नहीं है सुष्मिता आंसर, कंपोजिट सैंपलिंग के ऊपर आगे क्वेश्चन डाला हूं मैंने, ओके? सुष्मिता एक टाइप कर दो, यस। ओके, ये भी आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन बनाया हुआ है, प्लीज एक जन क्वेश्चन पढ़ लो। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज रिक्वायरिंग रिमूवल फ्रॉम द फ्लूइड स्ट्रीम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी निकाल दे, वो मेथड या टेक्निक मतलब उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन। ऑफ कोर्स देखो ना, थोड़ा वही चीज है, मतलब क्या कर रहा है देखो, हम लोग छलनी से या फिर कोई भी चीज नॉर्मल, एक टेक्निकली समझो ना थोड़ा सा, बराबर? तो क्या, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड रिमूवल फ्रॉम द फ्लूइड स्ट्रीम इन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन डिग्री, बराबर? उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन डिग्री बोलते हैं। और उसको यूज करने के लिए हम दो कन्वेंशन यूज करते हैं, फिलहाल इसका आंसर है फिल्ट्रेशन डिग्री, मैं उस पर टिक कर देता हूं। मैं एक क्वेश्चन सेट आपको दे दूंगा, प्लीज रिफर करके आना जब भी एग्जाम या वाइवा देने आओगे तो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कोई और पढ़ लो, राशिद ने बहुत पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोएगुलेंट, ओके, बेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड सर, बराबर, एकदम सही है, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट अ कोएगुलेंट, कोएगुलेंट मतलब पता रहेगा आपको। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एन एलिवेटेड टोटल डिसॉल्व सॉलिड डिपेंड्स ऑन, हाँ क्या रहेगा आंसर? नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर, नेचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, क्या लिखा है क्वेश्चन? द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ एन एलिवेटेड टोटल डिसॉल्व सॉलिड, एलिवेटेड मतलब जो ऊपर रहता है पार्ट, बराबर? डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ वाटर, डिपेंड होगा भाई वाटर पे, डिपेंड होगा क्यों? क्योंकि वो डिसॉल्व और अनडिसॉल्व की बात कर रहा है। नेचर ऑफ आयंस मतलब उसके आयंस की मैं बात कर रहा हूं, बराबर? या फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ, देखो सस्पेंडेड सॉलिड तो ऑफकोर्स आएगा ही बिकॉज मैं डिसॉल्व की बात कर रहा हूँ, माइक्रोब्स मतलब उसके साइज की बात कर रहा हूं मैं, वो भी आएगा, आयंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता स्टूडेंट्स, आयंस मतलब चार्ज हो गए, चार्ज से मेरा लेना देना नहीं है सस्पेंडेड सॉलिड्स का। ओके सर, व्हाई इज द स्लज एरिएटेड, हाँ ऑप्शंस दिखा देता हूं, दिख रहे सारे ऑप्शंस, थोड़ा ऊपर लू ना, टू अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ,
to increase bacterial growth, to maintain pH, to maintain temperature. क्या रहेगा आंसर? आप लोग ये भेज देता हूँ आज रात तक, भूल दूंगा. ठीक है, ओके सर. नेक्स्ट, एक मिनट बराबर. एक क्वेश्चन मैंने, चलो ये आ गया अपना मॉड्यूल टू. ओके श्वान, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? कोई और पढ़ लो. शिवानी आप पढ़ लो क्वेश्चन. आमीन क्वेश्चन पढ़ लो. डैश सैंपल्स कैन नॉट बी, अरे डैश सैंपल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ वाटर कैरेक्टरिस्टिक व्हिच चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज. क्या रहेगा आंसर? कंपोजिटी होगा अब सर. परफेक्ट परफेक्ट आंसर. देखो देखो, सुनो इधर, मैं समझाता हूँ. कंटिन्यूअस, बेटा म्यूट कर लो ना जो बोल रहा है. ओके लिसन यस स्टूडेंट. कंटिन्यूअस और काउंटिंग, देखो कंटिन्यूअस आपका एक सैंपल होता है, उसमें क्या रहता है कि हम इंटरवल्स ऑफ टाइम में है ना फटाफट फटाफट सैंपलिंग करते जाते हैं. ग्रैब तो होगा नहीं क्योंकि उसका काम रहता है कि वो एकदम कंसंट्रेशन और एकदम एनालाइज डीप रीडिंग देता है. वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पीएच. क्या हो गया? ओके चलो मैं बोलने लगता हूँ. तो मेरे को बोलना आपने? नहीं कुछ नहीं बोला बेटा, अभी म्यूट हो जाओ फिलहाल. जब बोलूंगा तब बोलना. नेक्स्ट क्वेश्चन आप रेडी रहना, आपको पढ़ना है. ओके ओके लिसन स्टूडेंट्स, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखो काउंटिंग ना आपका कोई ये सैंपल्स होता नहीं है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है बराबर. कंटिन्यूस ना आपका सैंपलिंग होता है, बट उसका काम रहता है कि ओवरव्यू करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. ग्रैब सैंपलिंग का यूज होता है कि डिटेल में करना बराबर. और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम ग्रैब सैंपलिंग से करते हैं बराबर ना. पीएच और सारे कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाया था मैंने बराबर. एक्चुअली वो जो सैम्पलिंग का क्वेश्चन जो आपने मॉड्यूल वन में देखा वो इसका क्वेश्चन है, गलती से इधर आ गया है, तो आप प्लीज वो ध्यान देना. तो इसका आंसर क्या है? कंपोजिट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, कंपोजिट ही है. यस शिवानी रीड द क्वेश्चन. यस यस फॉर वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पीएच एंड डिसॉल्वड ऑक्सीजन डैश सैम्पलिंग इज नीडेड. कौन सा सैम्पलिंग नीडेड होगा स्टूडेंट्स? ग्रैब इज अ करेक्ट आंसर. अभी जस्ट आपको थोड़े पहले टाइम पहले ही बताया था. करेक्ट स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो एक जन. कोई और नेक्स्ट, कोई और पढ़ लो क्वेश्चन प्लीज. सैंपल्स आर मोस्ट एप्रोप्रिएट to small plants with low flaws. Composite grab continuous counting. Okay, Preet, thank you. Dash samples are most appropriate for two small plants with low flow. कौन सा sample best होगा student? Continuous. नहीं बेटा, continuous इसका answer नहीं है. Continuous इसका answer नहीं है. मैं small plants counting. Counting नाम का कोई होता ही नहीं है, मैंने पहले ही बताया था. Grab होएगा sir. असाइनमेंट से ही बनाया मैंने क्वेश्चन. असाइनमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लो. मैं बता रहा हूँ ना आंसर, मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं, ऐसे उकसाओ मत. मैंने खुद बनाया सब क्वेश्चन. देखो अगर तुम ध्यान दोगे ना, मैंने सारे के ऑप्शन देखोगे ध्यान से, एक ही सेम रखा है. काउंटिंग, कंटिन्यूस, ग्रैब, कंपोजिट, दिख रहा है हर एक को? दिख रहा है? ये सारे क्वेश्चन मैंने है ना असाइनमेंट से बनाए हैं आपके बराबर. तो मैं क्या चाहता हूँ, एक बार आप असाइनमेंट थोड़ा सा पढ़ो यार, इतना तो करो. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन.
इसका आंसर बता दो क्या सुरेश, कि तुम लोग कर दो ढूंढोगे थर्ड का, बोलो बोलो सर, बता दो बता दो सर। लो लो लो, तुम पे भरोसा भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ले बेटा, पजल पढ़ रहा है क्वेश्चन, पजल पजल टाइम पास मत करा, फटाफट पढ़ना है तो पढ़, नहीं जम रहा है तो रहने दे। डैश सैंपलिंग द सैंपल्स आर नॉट प्रोपोर्शनल बट आर टेकन एट कांस्टेंट रेट सूटेबल फॉर इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कंपोजिट ग्रैब कंटीन्यूअस काउंटिंग। टाइम पास करके मतलब नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ गुड हाउसकीपिंग, आईएलएस एंड स्पेस, बाथिंग, लाइटिंग, वेस्ट रिमूवल फैसिलिटीज। बराबर, इसमें से देखो ये पर्सनल हाइजीन होता है बराबर, बाकी सब कुछ है ना रूम के ऊपर होता है या फिर फैक्ट्री के अंदर होता है या घर के अंदर। एलिस मतलब ओपन स्पेस रहता है, स्पेस मतलब वो जो सराउंडिंग अराउंडिंग रहता है। ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें है, किसमें, असाइनमेंट क्वेश्चंस में। वेस्ट रिमूवल फैसिलिटीज, लाइटिंग, ये सब कुछ है। बाथिंग इज अ पर्सनल हाइजीन, ओके, वो हाउसकीपिंग के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन्वॉल्व्स एवरी फेज ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन एंड शुड सप्लाई थ्रू आउट द एंटायर प्रीमाइसेस। रुक जा, रुक जा, एज वेल एज आउटडोर। हां, क्या इसका आंसर? मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, गार्डनिंग, गुड हाउसकीपिंग। गुड हाउसकीपिंग परफेक्ट आंसर है, डेफिनेशन है स्टूडेंट्स और कुछ नहीं है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे ले लेता, बायोकेमिकल टेस्ट, हां, टू एस्टिमेट द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ सैंपल कंपाउंड टू अ स्टैंडर्ड कंपाउंड। बराबर, क्या है आंसर इसका? बायो एसी, बीओडी, डीओ, सीओडी। बायोसी का ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर बायोएसी शुड बी बैक्टीरिया, नॉट अ पैथोजन, ग्रो एट ऑल पीएच, बी एसिडिक। बताओ, टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर बायोसी शुड नॉट बी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होना चाहिए बायोसिस में, कि पीएच का ग्रो होना चाहिए, ग्रो टू ऑल पीएच, एसिडिक होना चाहिए, कि नॉट टू बी पैथोजन होना चाहिए। It should not be a pathogen. Biosis is nothing but a process of a biochemical treatment. बराबर, उसके method को हम बोलते हैं biosis. ये लिखा है इसका definition. Okay, done. ये module 2 अपना हो गया. दो question और इसमें add करूँगा, फिर मैं आपको भेज दूंगा ये. ठीक है, दो question और add करना पड़ेगा मेरे को. Done. Okay sir. Okay sir. Sir, answer भी भेजो. तो answer नहीं था क्या भेजा? अरे थोड़ा तो मेहनत कर लो यार life में. अरे. हाँ. बेटा पहला क्वेश्चन हुआ है, सिर्फ पहला क्वेश्चन एक दूसरी जगह पूछे थे। हाँ ठीक है ना, वो प्रैक्टिस या सब, अभी तो बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ऐसे 10-10 क्वेश्चन और तुमको रोज देते जाऊंगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, चलो राशिद पढ़ लो क्वेश्चन। इन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम्स कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज, सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इज कंट्रोल, डाइल्यूशन, यूज, रीयूज, रिसाइकल। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, ये लास्ट टाइम हो चुका था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डीओ रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, 5 mg/L, 10 mg/L, 5 mg/L, 2 mg/L और 1 mg/L। 5 mg बराबर, 5 mg इज अ करेक्ट आंसर, हो चुका है लगता है क्वेश्चन, उसके लिए इतना फटाक से सब आंसर बोलते। अच्छा हो चुका है ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस डज नॉट डिपेंड, वॉल्यूम, फ्लो, टेंपरेचर, एक्वेटिक स्पीशीज। क्या है ऑप्शन डी, एक्वेटिक स्पीशीज, डी डी सर। ये भी हो चुका है क्या? हां ये हो चुके हैं सब क्वेश्चन। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं हुए। हां Which type of treatment methods are used for municipal and industrial wastewater? Slow rate, rapid infiltration, overflow, mainstream. Okay. क्या है आंसर आप बताओ, चलो बहुत डिस्कस हो गया, बोल रहे थे। बी ए सर।
Rapid infiltration overflow, mainstream या slow rate? The main type of treatment method used for municipal and industrial slow rate. अगर तुमने कभी treatment plant visit किया रहेगा, वहाँ पे देखा रहेगा, पानी बहुत speed में जाता है कि वहीं पे रहता है, उसी के अंदर रखे रहते हैं हम लोग थोड़े time तक अलग अलग process से pass करके फिर निकालते हैं. कैसे रहता है? कभी ध्यान दिया है? तो aeration lagoon में छोड़ देते ना लोग डाल के. Slow rate रहता है. क्या रहता है? Slow rate रहता है. ओके नेक्स्ट थोड़ा है ना बेटा, स्टीफर फिलिप्स का एक डेफिनेशन है. स्टीफर प्लीज म्यूट कर लो ना, थोड़ा सा म्यूट कर लो ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना. कौन रहा है? अच्छा खान आदिल, आदिल डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज है, म्यूट कर लो अपने आप को. ओके थैंक यू आदिल. The dash equation okay. determines the relation between the dissolved oxygen concentration and the biological oxygen demand over time and is a solution to the linear first order differential equation. Okay, इसका आंसर है स्टीयर फिलिप्स. नीचे थोड़े ऑप्शंस में फालतू फालतू डाल देता हूँ. इंटीग्रेशन INTEGRATION इंटीग्रेशन. दूसरा एक ऑप्शन डाल देता हूँ डिफ्रेंसिएशन. ओके और एक ऑप्शन डाल देता हूँ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इक्वेशन ठीक है बेटा, चल तू मैट्रिक्स बोलता तो मैट्रिक्स. ओके डन. तो इसका आंसर क्या है? ओके ठीक है, चलो ये बता दो आंसर. यस राशिद पढ़ लो क्वेश्चन. क्वेश्चन अभी आएगा तो पढ़ लेना. The biochemical oxygen demand is computed by dissolved oxygen by dilution factor, dissolved oxygen plus dilution factor, dissolved oxygen minus dilution factor, dissolved oxygen multiplied by dilution factor. क्या रहेगा? एक फॉर्मूला है. ये तो नहीं है बेटा, डिवाइड तो कभी नहीं होगा. मल्टीप्लाई रहता है. डी होगा, डी मल्टीप्लाई सर. बराबर राइट है. अगर तुमने एनवायरनमेंट ईमानदारी से पढ़ा रहेगा ना, आकाश सर ने पढ़ाया था तो तुम लोग ध्यान दिए रहोगे तो वही आंसर ठीक है. BOD is a measure of extent of pollution with organic matter, amount of oxygen required for plant, industrial waste passed into water bodies, amount of carbon monoxide combined with hemoglobin. क्या रहता है BOD का मेन टारगेट क्या रहता है सर? ए ए सर. परफेक्ट आंसर. डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन का एक लाइन है ये और कुछ नहीं है. आपके असाइनमेंट से निकाला है मैंने ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज मेजर्ड इन पीपीएम, केजी पर डे, केजी पर पर्सन पर डे, नंबर ऑफ पर्संस पर डे. क्या रहेगा आंसर? पीपीएम 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 पीपीएम. सब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं पीपीएम. ओके तो हां सब बस सब रॉन्ग है. केजी पर पर्सन पर डे उसका आंसर है बराबर. तो हम बीओडी जो मेजर करते हैं वो न्यूमेरिकल में इसी फॉर्मेट में दिया रहता है. परफेक्ट. और बता दूं मैं तुमको डोमेस्टिक वेज का है ना 0.8 केजी पर पर्सन पर डे होता है. इतना लिख के ले लो कहीं पे बराबर. डोमेस्टिक वेट के लिए बीओडी पर पर्सन 0.8 केजी पर पर्सन पर डे होता है. लिख के ले लो कहीं पे अगर तुमको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गए तो. केजी पर डे है ठीक है स्टूडेंट्स. 0.8 लिख लेना, शायद आपके आ सकता है पेपर में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, टर्बिडिटी, बीओडी, सीओडी, डीओ. ये तो आंसर मैंने जस्ट डिस्कस किया क्वेश्चन. सीओडी शाबाश. हां सीओडी शाबाश, अच्छा लगा बोला ना सर आपने. हां 5 डेज बीओडी एट 20 डिग्री Celsius is dash of total demand 20% 47 6800. ये तुमको नहीं पता होगा because तुमने उतना डिटेल में कभी पढ़ा नहीं रहेगा बराबर. तो 68% उसका आंसर है. बट तुमको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ. 5 day BOD at 20 degree Celsius is the standard BOD which is 68 degree of the total oxygen demand, whereas 10 day BOD at 20 degree Celsius is 90%. वो भी याद करके रख लो. 5 day की बात क्या 20 degree से बराबर कि 20 डिग्री सेल्सियस है. ये टू की रेफरेंस में है. हां 5 डेज बीओडी का जो वो है ना उसमें
एक मिनट, कंट्रोल जेड, ओके जीरो, जाके नहीं रहा। समझ आया ना 20 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट? ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 68। ए क्या हो रहा है? सलमान फारूक। ओके, एक क्वेश्चन और बना देता हूँ स्टूडेंट्स। बने देता हूं, 90 कर देता हूं। हाँ, क्या आंसर है स्टूडेंट इसका? बी 90। परफेक्ट। डन। ओके, सारे क्वेश्चन मार्क कर दिए ना, आंसर कोई छूटा नहीं ना? ओके थैंक यू, ये भी सेव कर देता हूँ, ये भेजूंगा नहीं तुमको लेकिन। क्यों सर? ऐसे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल 4 डिस्कस करता हूँ। कल फिर ऐसे ही थोड़े क्वेश्चंस बना के लेके आता हूँ। चलो बोलो, पढ़ लो बेटा, स्टार्ट करो राशि। सुटेबल मेथड फॉर ट्रीटिंग एसिडिक और बेसिक हजार्डस वेस्ट इज न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है आंसर बोल दो अब। चलो ए, न्यूट्रलाइजेशन। परफेक्ट आंसर है। कल अपना लास्ट डे रहेगा ऐसे डिस्कशन करने का, फिर हो जाएगा बी क्लियर। ब्रदर कल अपना लास्ट डे है, कल के बाद जो भी रहेगा तुम्हारे डाउट्स वो मेरे से क्लियर करना बस, बाकी और कुछ नहीं। कॉमन रिएजेंट्स फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड वेस्ट्स आर सोडियम लाइम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम एंड जिंक, लेड। बी यस, बी लाइम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। परफेक्ट आंसर। तो ऐसे एसिडिक हैजार्डस वेस्ट जो रहता है स्टूडेंट वो न्यूट्रलाइज किस पे होता है? लेट लाइम पे होता है, दैट इज कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। बराबर, तो इसका आंसर क्या है? लाइम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन राशिद। कंप्लीट द इक्वेशन एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू डैश प्लस वाटर, सॉल्ट, केमिकल अल्कली, पीएच। सॉल्ट। सॉल्ट। ये बचपन का क्वेश्चन है, पता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन राशिद। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रोवाइडेड इन केस वेयर एरिएशन इज एब्सेंट? स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल मिक्सचर्स, ग्रिट रिमूवर, सेडिमेंटेशन टैंक्स। बी सेडिमेंटेशन। मैकेनिकल मिक्सचर्स। मैकेनिकल। मैं बोलता हूं जरा सुनो मेरी बात। इफ एरिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, बैफल्स और मैकेनिकल मिक्सचर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड टेरिफिकेशंस and short circuiting in equalization basins. The size and shape of an equalization facility will vary with the quantity of water and the patterns of waste discharge. So, क्या है answer student इसका? B, yes, mechanical mixers. Okay. What is the most common used coagulant? Alum, ferric sulfate, limestone, alum. Coal. Alum. Perfect. Alum. Then next question. Which type of treatment does clarification fall in? Secondary treatment, primary treatment, preliminary treatment, tertiary treatment? ये जिसने पढ़ा रहेगा primary secondary उसको पता होगा। Secondary ना? Primary है, primary। Okay, next. What is term used for reuse of sewage sludge? Compost, solids, biosolids, sludge. Option A. Sir, compost, compost. Compost. Compost? पक्का? Reuse of sewage sludge की बात कर रहा हूँ मैं। Biosolids. Biosolids is a term often used in engineering publication and engineering relation efforts of local authorities when they want to put the focus on reuse of sewage sludge after the sludge and undergoes into unstable treatment process. तो क्या है आंसर इसका? सर तो कंपोस्ट में और इसमें क्या फर्क होगा? ऑप्शन सी। मतलब देखिए कैसा है ना, एक लोकल इंजीनियर्स रहता है ना। कंपोस्ट मतलब क्या हुआ? मैनुअल टाइप हुआ। बराबर,
कंपोस्ट मतलब मैनुअल, बराबर ना? बायोसॉलिड्स की बात करेगा तो क्या वो स्लज समझता है ना तू? पहली बात वो मैनुअल की तरह यूज कर सकता क्या तू? नहीं, तो उसको वेस्ट को उन लोग ने दूसरा नाम दिया, मतलब उसको यूज करना है ना बराबर, तो उसको उन लोग एक दूसरा नाम दिए बायोसॉलिड्स, मतलब अलग या दूसरे दूसरे फॉर्म में यूज होगा, डायरेक्ट मैनुअल नहीं बट कोई और फॉर्म में यूज हो सकता है. ओके सर, तो बायोसॉलिड्स इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ दिस प्रोसेस आर इन्वॉल्वड इन रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, एक्सेलरेटेड ग्रेविटी सेटिंग, फ्लोटेशन, फ्लॉक्युलेंट सेटिंग, कंप्रेस सेटलिंग. क्या है आंसर? सी है सर, फ्लोटेशन. फ्लोटेशन ऊपर तैरता है ना. नेक्स्ट. डैश इज प्रोवाइडेड आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फ्लॉक्युलेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, सैंड फिल्टर. बोलो. सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. After activated sludge process, which method is provided? Secondary sedimentation. Secondary sedimentation. ASP है ना sir, activated sludge process. Next question, last question. How are the pathogen destroyed? Mechanical means, thermophilic conditions, chemical treatment, aeration. क्या है answer student? Thermophilic conditions. Thermophilic condition उसका आंसर है. ओके, दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल 4. मैं मॉड्यूल 5 की बात कर लेता हूं. चलो, व्हाट इज द बीओडी ऑफ अनट्रीटेड एफ्लुएंट.